लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की हुई घोषणा। चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दी जानकारी। चुनाव आयोग ने बताया कि 7 चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव। पहला चरण 19 अप्रैल, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवा चरण 20 मई, छठा चरण 25 और सातवां चरण 1 जून को होगा, जिसमें वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 जून को होगी मतगणना। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस वार्ता में कहा कि देश में निष्पक्ष रूप से चुनाव होगा। हमें विश्वास है कि हम निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराएंगे। हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया है कि 55 लाख ईवीएम का चुनाव में होगा इस्तेमाल। चुनाव के दौरान 4 लाख वाहनों का उपयोग किया जाएगा। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत के चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है। भारत जैसे बड़े देश में चुनाव प्रबंधन एक बड़ी चुनौती, ये चुनाव हमारे लिए ऐतिहासिक मौका है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि हमारे पास 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता है, 180 करोड़ से अधिक नए वोटर करेंगे मतदान, 48 लाख ट्रांसजेंडर करेंगे मतदान। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मुद्दों पर आधारित हो चुनाव प्रचार, नफरती भाषण पर राजनीति दल रहे सतर्क। राजनीतिक दलों की गतिविधियों को स्ट्रीमलाइन किए जाने पर कदम उठाए गए हैं। पीएम मोदी ने चुनाव की घोषणा का किया है स्वागत। पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर संदेश लिखा है। उन्होंने कहा है लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार आ गया है। इलेक्शन कमीशन ने 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर संदेश लिखा कि आज से प्रारंभ हो रहे महापर्व आम चुनाव में आप सभी मतदाताओं का हार्दिक अभिनंदन। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से अब की बार एनडीए 400 पार के संकल्प की सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। तारीखों की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव तारीखों की घोषणा की तारीख से आदर्श आचार संहिता को लागू किया जाता है और ये चुनाव प्रक्रिया के पूर्ण होने तक लागू रहती है। निर्वाचन आयोग द्वारा सामान्य निर्वाचन 2024 की घोषणा किए जाने के बाद राजधानी लखनऊ में जिला निर्वाचन अधिकारी और नगर आयुक्त लखनऊ की अगुवाई में हजरतगंज में राजनीतिक दलों के पोस्टर बैनर हटाए गए। बलरामपुर में जिला प्रशासन द्वारा चुनाव आचार संहिता लगते ही सार्वजनिक स्थानों से बैनर पोस्टर हटवाने का काम शुरू हो गया। जिला प्रशासन और पुलिस की टीम द्वारा लोगों को आचार संहिता का पालन करने की दी जा रही है चेतावनी। शराब नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को दी अग्रिम जमानत। ईडी के 8 सम्मन पर हाजिर नहीं हुए थे केजरीवाल, जिस पर ईडी ने कोर्ट में की थी शिकायत। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पूर्व आईएएस अफसर नवनीत सहगल को बनाया प्रसार भारती का नया चेयरमैन। इसी के साथ पूर्व आईएएस अधिकारी के लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर लगा विराम। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने आगामी लोकसभा चुनावों में बूथों पर अच्छी व्यवस्था करने और हर एक बूथ का निरीक्षण करने का दिया निर्देश। कहा हर बूथ पर उपलब्ध हो न्यूनतम सुविधाएं। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से रोडवेज बसों में जागरूकता संदेश बजाए जाएंगे। वहीं बस अड्डों पर लगी एलईडी स्क्रीन पर चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई मैं भारत हूं क्रिएटिव का डिस्प्ले होगा। यूपी बोर्ड के हाईस्कूल इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षाओं का मूल्यांकन आज से शुरू। बोर्ड ने जिले के शिक्षा अधिकारियों को 31 मार्च तक मूल्यांकन पूरा करने के दिए निर्देश। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश में कार्यरत 58,000 संविदा कर्मियों को मिलेगा सामूहिक बीमा योजना का लाभ। सभी संविदा कर्मियों को मिलेगा अधिकतम 30 लाख रूपये तक का बीमा। और आयोग ने 4 और भर्ती परीक्षा को किया स्थगित। स्टाफ नर्स यूनानी आयुर्वेदिक की प्री परीक्षा, सहायक नगर नियोजक परीक्षा, अपर निजी सचिव की शॉर्ट हैंड टाइपिंग परीक्षा और स्टाफ नर्स एलोपैथी मुख्य परीक्षा 2023 को किया गया स्थगित।